आखिर किसने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए थे। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मौत के बाद थॉमस हार्वे नामक एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करते समय उनका दिमाग चोरी कर लिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? गाइज, आगे जानने के लिए अपने भाई के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल वह आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहता था। उसने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में छुपा कर रख लिया। फिर कुछ दिन बाद उस डॉक्टर ने आइंस्टाइन के बेटे की परमिशन से उनके दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े करके दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास एक एक टुकड़ा रिसर्च करने के लिए भेज दिया। रिसर्च में जो पाया गया वह हैरान कर देने वाला था। आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद सेल आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा थे। उनके दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसान की तुलना में बिल्कुल अलग था, और यही वह रीजन था जिसके कारण उनका दिमाग पूरी दुनिया में सबसे डिफरेंट था।